To all of you, today we will explore English grammar, subject, verb, agreement. Subject, verb, agreement. अब ये क्या term होता है? आपको सुन के लगा होगा कि ये subject, verb, agreement होता क्या है? So subject, subject क्या होता है? English grammar पे जैसा हम बोल जानते ही हैं कि subjects जो उस काम को करते हैं, कर्ता, हिंदी में हम इसे कर्ता कहते हैं. English में subject वो होते हैं जो उस काम को करते हैं. जैसे मैं खाना खा रहा हूँ में subject क्या हुआ? I am eating food. So subject is I. मैंने उसे देखा. I saw him. तो यहाँ subject क्या हुआ? Him होगा क्या? No. Him object हुआ क्योंकि आपने देख किसने देखा है? मैंने देखा है. जो main doers होते हैं, उन्हें हम कहते हैं subject. Verb. Verb any action which is done by the subject is called the verb. कोई भी action जो subject के द्वारा या उस sentence पे हो रहा होता है उसे हम कहते हैं verb. वर्ब जैसे कि जिस पे भी अगर देखेंगे ईटिंग स्लीपिंग रीडिंग राइटिंग ऑल आर द वर्ब्स एग्जांपल ऑफ वर्ब्स. सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट एज द नेम सजेस्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है उनके बीच में वो दोनों एग्री होने चाहिए. जैसे कि कैसे? हैव यू एवर थिंक कि अगर मैं ऐसा बोलूँ आई आर गोइंग इज इट पॉसिबल? नो इट्स नॉट पॉसिबल. व्हाई? क्यों? क्योंकि आई के साथ हमें पता है कि एम लगेगा गोइंग. और मैं अगर बोलूँ आई एम स्लेप्ट इज इट राइट? सो अगर डायरेक्ट आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं होगी सेकंड फॉर्म, क्योंकि आई एम के बाद हम यूज़ नहीं कर सकते. स्लेप्ट विल वी कांट यूज़. सो दैट्स वाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर सिंगुलर है, अगर आप एक व्यक्ति के लिए, जैसे हिंदी में भी हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं? मैं वहाँ जाऊँगी. मैं जाएंगी नहीं बोलते, मैं वहाँ जाएंगी ऐसा हम नहीं कहते हिंदी में भी. सिमिलरली इंग्लिश में भी हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप मैं कहती हूँ हम कहते हैं तो हम बोलते हैं जाएगी जाएंगे. एक वचन के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं. सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट मीन्स जो काम को करते हैं एक्शंस और जो एक्शंस है उनके बीच में जो कॉम्बिनेशन, दोनों ही एग्री होनी चाहिए. एग्री मीन्स दोनों ही सेम होने चाहिए, तो इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अब ये करते कैसे, इसके लिए कुछ रूल्स हैं. सो लेट्स एक्सप्लोर द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. बेसिक कुछ रूल्स हैं, ये हम सभी जानते हैं और पढ़ते हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर आप सिंगुलर वर्ब्स का ही यूज़ करते हैं. अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स है तो प्लूरल वर्ब्स का ही आप यूज़ करते हैं. एग्जांपल, जैसा कि आई एम ईटिंग, वी आर ईटिंग, तो हम हमेशा सिंगुलर के साथ में सिंगुलर का एंड प्लूरल के साथ में प्लूरल का यूज़ करते हैं. अब रूल्स जो हैं वो रूल नंबर वन आप इसे लिख सकते हैं, और अगर आप इसे पूरी तरह से अप्लाई करते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके साथ में क्लास फिफ्थ से लेके क्लास ट्वेल्थ तक और इवन आईएएस और आईपीएस के एग्ज़ाम्स में भी आपको ये हमेशा आता है. सो यू कैन मेक अ कंप्लीट नोट्स विच इज़ फॉर लाइफ टाइम. ये केवल आज के लिए ही नहीं है, ये हमेशा आपको काम आना है और बार बार ये ग्रामर पे आपके आएगा कोर्स पे. सो लेट्स स्टार्ट द रूल. फर्स्ट रूल, द प्रोनाउन यू ऑलवेज टेक द प्लूरल फॉर्म. जैसे हम हमेशा यू के साथ में क्या यूज़ करते हैं? यू के साथ में हम हमेशा प्लूरल फॉर्म का यूज़ करते हैं. क्या हम कभी बोलते हैं यू इज़ गोइंग? नो, वी आर नॉट टेलिंग. व्हाई? बिकॉज ऑफ यू के साथ में हमेशा हम आर का यूज़ करते हैं. चाहे यू द जो प्रोनाउन है, यू क्या है? प्रोनाउन. तो कभी भी अगर प्रोनाउन यू है तो आप हमेशा यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब्स का. यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, चाहे वो एक पर्सन हो, चाहे आप एक व्यक्ति से बात करें होंगे या बहुत सारे लोगों से बात करें होंगे. मान लीजिए आपने एक ही पर्सन से, अपने एक ही फ्रेंड से बात करें, तब भी आप बोलेंगे यू आर कमिंग, और सेकंड टाइम कहेंगे तब भी कहेंगे यू आर कमिंग. अगर टू पर्सनस हैं, प्लूरल नंबर्स हैं, तब भी आप कहेंगे यू. सो यू के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब के यूज़ करते हैं, जो कि होता है यू वर, यू आर. यू वॉज नहीं होता, यू वॉज इन्वाइटेड. नो, यू आर इन्वाइटेड टू मी. यू आर आस्क्ड, यू इज आस्क्ड. नो, यू आर. एंड यू सिंग्स नहीं होता है हमेशा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. कभी भी हम यू सिंग्स नहीं लिखते, हम क्या लिखेंगे? यू सिंग सो वेल. सो दिस इज़ द फर्स्ट रूल, दैट यू के साथ में हम हमेशा आर का, वर्क का, हैव का या प्लूरल फॉर्म का ही हम वर्ब्स का यूज़ करते हैं. रूल नंबर टू, इफ़
a sentence begin with here and there. The verb agrees with the subject which follows it. अगर हम here और there का use करते हैं तो हमेशा जो verb होता है वो subject को जिसे follow करते हैं. अगर एक वचन के लिए आपने here use किया है तो आपका basically हम use करेंगे singular person, and अगर plural person दो वचन के लिए हमने use किया है plural person के लिए two और more than two objects के लिए तो अब हम use करेंगे plural number. कैसे? Here is a gap. यहाँ एक छोटा सा गैप है. हियर जैसे एग्जाम्पल ये पेन है. अगर आप इस पेन को देखेंगे तो हियर इज अ पेन. क्यों एक पेन है? इज क्यों लिया हमने? क्योंकि एक पेन है. मगर सपोज कि टू पेन्स आ गए. सो हियर आर टू पेन्स. क्यों टू पेन्स हमने आर क्यों यूज़ किया? क्योंकि अभी कितने पेन्स आ गए आपके सामने? टू पेन्स आ गए. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल. हियर और देयर को कभी भी हम यूज़ करते हैं. आप इसे लिख सकते हैं हियर एंड देयर वी विल यूज़ एग्री. वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ में. आप देखेंगे कि हियर और देयर आप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं. हियर आर द वे. जैसे यहाँ आप देख सकते हैं हियर आर द वे ऑन हाउ टू प्रिवेंट मीट. यहाँ रास्ते हैं. वेज बिकॉज इट इज़ वेज प्लूरल नंबर है यहाँ पे. वेज यहाँ रास्ते हैं. बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे कि हम इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं मीट को. ऐसे बहुत सारे वेज हैं, टेक्निक्स हैं. लेकिन वहीं एक छोटा सा गैप है. देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर. एक जो अमीर हैं और जो गरीब हैं उनके बीच में गैप है. ये क्या है? सिंगुलर नंबर है. सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग इज हियर. द नेक्स्ट रूल इज इफ टू सब्जेक्ट्स वन सिंगल वन प्लूरल आर कनेक्टेड विथ आइदर और नाइदर नॉट द वर्ब एग्री विथ नियरर ऑब्जेक्ट. अगर आप दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं जिसमें से एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है तो हमेशा हम उनके ही यूज़ करते हैं जो कि नियरर है. जो उसके ज़्यादा नियरर रहेंगे वहाँ पर हम उनका यूज़ करेंगे. Nearer means just either or neither के पहले जो सेंटेंस होते हैं. जैसे यहाँ आप देख सकते हैं neither means क्या होता है? neither nor. अब हमने ये जानते हैं कि neither nor either or ये सारे conjunctions हैं. neither का मतलब होता है ना तो ये, nor का मतलब ये. neither nor का मतलब होता है कि नहीं ये नहीं वो. यह भी नहीं चलेगा और वह भी नहीं चलेगा. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं neither और nor का यूज़ करते हैं. तो एग्जांपल हम देखते हैं neither the players nor the coach is joining. अब यहाँ पे neither the players क्या है? ना तो खिलाड़ी लोग, ना तो players जो खिलाड़ी है वो, nor the coach नहीं coach is joining join कर रहे हैं. तो यहाँ एक हमने देखा कि कोच क्या हो गया? कोच एक ही पर्सन है, सिंगुलर नंबर है. लेकिन प्लेयर्स क्या है? प्लेयर्स प्लूरल नंबर है. तो सिंगुलर और प्लूरल नंबर्स का कॉम्बिनेशन हमने लेकिन क्या यूज़ किया यहाँ पे? इज का यूज़ किया. इज क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये नियरर है. अगर आप देखेंगे पास में है, लास्ट में वर्ब के नियरर क्या है? कौन सा सब्जेक्ट है? कोच है. इसलिए हमने यहाँ इज का यूज़ किया. एंड दिस इज़ द रूल ओनली. नेक्स्ट वन इज़ आइदर द कंडक्टर और द सिंगर्स आर अटेंडिंग द कॉन्सर्ट. या तो कंडक्टर अटेंड कर रहे हैं कॉन्सर्ट्स को या तो सिंगर्स. तो यहाँ पे भी सिंगुलर नंबर क्या है? कंडक्टर. लेकिन यही अगर ये सेंटेंस हो जाता आइदर द सिंगर्स एंड द कंडक्टर इज, यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाता? इज हो जाता. सो ये एक रूल है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए आइदर और नाइदर नॉर में जो वर्ब पास में रहते हैं सब्जेक्ट के वो हमेशा वर्ब, उसका वर्ब हम ही यूज़ करते हैं. द फोर्थ रूल इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग. हम अक्सर इस पर गलती करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. अ सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलो बाई द इंटरवेंशन वर्ड्स और फ्रेजेस सच एज विथ एज वेल एज इन एडिशन टू इनकम्प्लीट बाई टुगेदर विथ एंड नो लेस देन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. अगर कभी भी हम ऐसे वर्ड्स लेते हैं, ऐसे फ्रेजेस लेते हैं जो कि जैसे आई इन एडिशन टू, आई टुगेदर विथ, आई नो लेस देन आई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जब कभी आप सिंगल सब्जेक्ट के साथ में आप ग्रुप्स को लेते हैं तो वहाँ पे हमेशा यूज होता है सिंगुलर वर्ब का. क्यों? क्योंकि जैसे एग्जाम्पल आई along with my friends am watching television. So आपने I के साथ में along with friends है. लेकिन along with क्योंकि ये अलग हो जाता है separate से, इसलिए कभी भी अगर आप कोई भी subject लिखते हैं यहाँ आपके friends को आप अपने आप को बता रहे हैं लेकिन बाकी friends के साथ, या you together with all will come. अब यहाँ पे you together with all are coming
Or we can take the example Jack, accompanied by his sister, is enrolling in PCC. So Jack जो है वो उनको कौन company दे रहे हैं basically? Accompanied by his sister, वो अपनी sister के द्वारा उनको companionship दी जा रही है, company दी जा रही है. Is यहाँ हमने लेकिन R नहीं लिखा. आप देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि क्यों नहीं लिखा Jack को, तो Joy और उनकी friend sister भी है यहाँ. But जैक अकेले यहाँ केवल हम जैक की सिस्टर के को साथ में मिला के बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे हमने किससे अलग कर दिया, और यही चीज़ रूल है. अगर आप देखेंगे तो एडिशन टू, एकम्पनीड बाय, टुगेदर विथ, इस तरह से जब सिंगुलर वर्ब्स होते हैं तो हमेशा हम वर्ब का सिंगुलर फॉर्म ही यूज़ करते हैं. द फिफ्थ रूल इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट. हमेशा जब एंड के साथ में अगर हम कोई सी भी सिंगुलर सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो हमेशा प्लूरल वर्ब्स होता है एक्सेप्ट वन. जब कभी हम वन लिखते हैं किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में तो हमेशा हम वर्ब की सिंगुलर नंबर ही यूज़ करते हैं. जैसे लैरी एंड मर्सी आर रीडिंग नॉवल. यहाँ अलग अलग है, ये लोगों को हमने एंड से ज्वाइन किया हुआ है. लैरी एंड मर्सी दो अलग अलग पर्सन हैं, वो नॉवल रीड कर रहे हैं, तो यहाँ हमने क्या लगाया, आर. लेकिन अगर माई टीचर एंड फ्रेंड, यहाँ माई टीचर एंड फ्रेंड्स क्या कैसे हैं, ये हमने एंड के थ्रू ज्वाइन किया, लेकिन हम इन्हें एक सिंगल की तरह से ज्वाइन करें और यहाँ कोई वर्क नहीं हो रहा है, इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ हियर. सो दिस इज़ द ओनली रूल दैट सिंगुलर सब्जेक्ट जब कभी ज्वाइन होते हैं एंड से प्लूरल वर्ब्स होते हैं, लेकिन जब उनका मीनिंग एक होता है तो वो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब्स होते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट वन. कीप वॉचिंग, यहाँ पे हम सारे पार्ट सारे रूल्स बताएंगे. रूल्स इस पे थोड़े से ज़्यादा हैं, बट अगर एक बार आपने इसे कंप्लीट कर लिया तो सारे आपसे ग्रामर में कभी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स पे रूल मिस्टेक नहीं होगी. वी आर अपलोडिंग ऑल द सिलेबस ऑफ योर कोर्स, सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम for watching our channel. Thank you.